Good morning, fourth sem. As you all know that because of corona our classes are not going properly, so I'm giving you some lectures by online, by YouTube or any other means. बच्चों जो भी क्लासेस हमारी इस दरमियान चलेंगी उनके सारे लेक्चर्स आपको मैं कोशिश कर रही हूँ लिख कर और बोल कर पहुँचा दूँ, जिससे कि आप अपने नोट्स बना करके और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रख सके. हम लोगों ने अपनी क्लासेस में जो कोर्स छोड़ा था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले तक का रिपन और लिटन पूरा हो चुका था. हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे. आज हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ेंगे. बच्चों मैं इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बोलती जाऊँगी. अगर आपको दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं हिंदी में लिख के इंग्लिश में बोल दूँगी. सो स्टार्ट. 28 दिसंबर 1885 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड, उसका बनाया गया. थ्री डेज सेशन वॉज कंडक्टेड बाई इन मुंबई बाई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. Hume. ये एक रिटायर्ड फौजी थे A.O. Hume, और उन्होंने बॉम्बे में 3 दिनों के एक सेशन कंडक्ट किया. भारत भर से लोगों को इकट्ठा किया और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश किए. बिफोर INC सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस वर आल्सो कम इन एग्जिस्टेंस. ऐसा नहीं है कि 1885 में एकदम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई थी. इसके पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जो काफ़ी समय से बन रहे थे. इन विच सम मेन आर एज फॉलोज. नंबर 1 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. इनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो 1885 में कलकत्ता में बना, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 इन बॉम्बे, मद्रास नेटिव एसोसिएशन. हिंदी वाले बच्चों ऐसे के ऐसे ही हिंदी में नाम आपको लिखने हैं इनके नाम. मद्रास नेटिव एसोसिएशन इन 1852 इन मद्रास. पुणे सार्वजनिक सभा इन 1870 इन पुणे. मद्रास महाजन सभा इन 84 एंड मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885. सो फ्रॉम 1851 टू 1885 सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल ओवर इंडिया. लेकिन अभी भी जो चीज़ नहीं हो पा रही थी वो ये थी कि ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभी तक नहीं बनी थी. राष्ट्रीय स्तर की कोई भी संगठन अभी तक नहीं बना था और इसकी नीड भारतीयों को लग रही थी बिकॉज लंबे समय से असंतोष का वातावरण ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बना हुआ था. सो व्हाट आर द रीजंस व्हाई द नीड ऑफ INC, क्यों कंस्ट्रक्ट की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या आवश्यकताएं थी, क्या कारण थी, उसके ऊपर अब अपन चलते हैं. नंबर 1 आफ्टर द क्रश ऑफ 1857 मूवमेंट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज एरोज. 1857 के मूवमेंट को दबा तो ज़रूर दिया गया था लेकिन लोगों में अभी भी वो दबाने के बाद भी नेशनलिज्म और ज़्यादा बढ़ गया था. वो दिख नहीं रहा था क्योंकि लोग अब उस चीज़ को अपने भावों को दबा करके रखे थे, लेकिन जो नेशनलिज्म था वो ख़त्म नहीं हुआ था, बढ़ गया था और वो किसी न किसी फॉर्म में इन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से बाहर आना चाहता था. नंबर 2 ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ इंडियंस. जो भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारतीयों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी. दे इम्पोज सम अनफेवरेबल लॉज फॉर इंडियंस. कुछ ऐसे लॉज थे इन द मीन टाइम 1857 के और 1880 के आसपास, कुछ ऐसे लॉज थे जो कि भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, अनफेवरेबल भी थे, उनके हित में नहीं थे. और ऐसे कुछ लॉज में से नंबर 1 इज़ आर्म्स एक्ट, जिसमें भारतीयों को किसी भी प्रकार के वेपन्स को लेने के लिए रिस्ट्रिक्शन लग गया था. वर्नाकुरल प्रेक्स एक्ट, जिसको कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर रोक लगा दी गई थी. और इसी तरीके से एक था इसी एल्बर्ट विल, एल्बर्ट डिस्प्यूट, जिसको भी हम लोग अर्ली डिस्कस कर चुके. तो ये कुछ ऐसे लॉज थे जो कि इंडियंस जिसके कारण लगातार अनसेटिस्फाइड हो रहे थे और नाउ दे रियलाइज द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन रिप्रेजेंट द इंडियंस व्यूज. अब ये ज़रूरी हो गया था कि अब उनकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन आए. नाउ व्हाट इज़ द मेकिंग ऑफ INC, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, क्या ग्रेजुअल डेवलपमेंट था, लेट्स सी.
Initially, Surendranath Banerjee established Indian Association as a national organization in 1883. देखिए 1885 के पहले अगर पहला कोई राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन बना है तो वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1883 में इंडियन एसोसिएशन के रूप में बनाने की कोशिश करी थी और वो चाह रहे थे कि एक अच्छा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना पाए. अगेन ही कॉल्ड वन मोर कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता इन 1885 दिसंबर. उन्होंने एक और मीटिंग जो है वो 1885 में बुलाई कलकत्ता में. लेकिन इन द मीन टाइम ए ओ ह्यूम ने 1885 में आईएनसी को बिल्ट कर दिया. 1885 में जो आईएनसी बिल्ट हुआ वो 72 रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर के इंडिया में इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आए हुए लोगों को मिला करके 72 रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर के बना. द फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन मुंबई. दिसंबर में इसका फर्स्ट सेशन हुआ, 3 दिन चला जैसा हमने पहले ही देखा, तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन मुंबई जिसमें यह हुआ था. एंड द मोर इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स आर दादाभाई नेहरूजी, काशीनाथ तैलंग एंड व्योमचंद चंद्र बनर्जी. आप ये 3-4 नाम, बहुत सारे नाम है बट ये 3-4 नेम्स यू हैव टू रिमेंबर. नाउ व्हाट वाज द पर्पस ऑफ आईएनसी, कम टू द पर्पस ऑफ आईएनसी. डब्ल्यू से बनर्जी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एंड अकॉर्डिंग टू हिम यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द लीडर्स. एक्चुअली क्या था कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग संस्थाएं बनाई थी, राष्ट्रीय स्तर की संस्था नहीं थी. बंगाल को नहीं पता होता था कि मद्रास में क्या हो रहा है, मद्रास को नहीं पता था कि बॉम्बे में क्या हो रहा है. सो ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था जहां पर सारे लीडर्स इकट्ठे होकर के अपने अपने क्षेत्रों में काम कर सकें. सो दिस इज द फर्स्ट वन पर्पस. नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट रिलीजन शुड बी रिमूव्ड. किसी भी तरीके की जाति और धर्म के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका पर्पस था. दे ऑल्सो डिमांड द गवर्नमेंट फॉर द रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन. और किसी भी प्रकार के प्रशासनिक सुधारों पर सरकार पे कैसे प्रेशर बनाया जाए, इनसे डिमांड की जाए, इस पर भी पर्पस आईएनसी ने बनाया. नाउ कम टू द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ आईएनसी. अब आईएनसी बन गई 1885 में, पहले 20 साल कैसे रहे. पहले 20 साल बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि आईएनसी 1885 से 1905 तक लगातार लिबरल तरीके से काम कर रही थी. बिकॉज ये थ्रेटेंड ईयर थे, थोड़ी डरी हुई थी, थोड़ी सहमी हुई थी. पहली बार संस्था थी जो ब्रिटिशर्स तक अपनी बात पहुंचा रही थी, तो और पढ़े लिखे लोग थे तो वो प्रॉपर वे से लिख करके एप्लीकेशन प्रार्थना पत्रों के द्वारा अपनी बातों को कहते थे. सो दिस पीरियड इज नोन एज द मॉडरेट पीरियड ऑफ द कांग्रेस. इन दिस पीरियड कांग्रेस डिमांड्स ओनली फॉर द रिफॉर्म्स एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन. कितने ज़्यादा भारतीय लोग प्रशासन में अपना योगदान दे सकते हैं, इसके ऊपर पर्पस था. कांग्रेस ऑल्सो डिमांडेड फॉर कट द रेवेन्यू एंड द चेंज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज. वो ये भी डिमांड कर रहे थे कि अब ब्रिटिशर्स को अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए, रेवेन्यूज को कम करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने चाहिए. कांग्रेस ऑल्सो डिमांडेड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. ये भी डिमांड्स थी इनकी कि हमको भाषण की स्वतंत्रता और शिक्षा का को पर्याप्त रूप से फैलाने के लिए भी ब्रिटिश सरकार को प्रयासरत होना चाहिए. दे ऑल्सो दीज डिमांड्स आर वेरी लिबरल एंड ब्रिटिशर्स वर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन देम. इतनी लिबरल होने के बाद भी ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और धीरे धीरे कांग्रेस जो है इस रूप में उभरती जा रही थी कि इट इज़ नॉट फेवरेबल टू ब्रिटिशर्स. सो ब्रिटिशर्स जो थे वो लगातार उनको नेग्लेक्ट करते चले जा रहे थे. Although Congress tried its best, but after the Act of 1892, they disappointed. हम लोग the next topic is 1892. हम लोग उसमें ये discuss ज़रूर करेंगे कि ऐसे कौन से regulations थे जिसके कारण Congress एकदम disappoint हो गई. अभी ये समझ लीजिए कि कांग्रेस लगातार जो डिमांड करती जा रही थी 1885 से और आशा लगा के बैठी थी कि 92 में एक्ट आने वाला है और वो एक्ट जो है कुछ रिफॉर्म्स और सुधार लाएगा, वो एकदम से डिसअपॉइंटमेंट लेकर के आते हैं और वो नहीं कर पाते. नाउ द लॉर्ड कर्जन ऑल्सो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट द फेलियर ऑफ द लिबरल पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस. कर्जन आया और कर्जन ने जो है डिवाइड एंड रूल लगाया. वी विल डिस्कस इन द कर्जन. और ये डिवाइड एंड रूल जो था एक तरीके से फेलियर बनता जा रहा था कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस का पहला पर्पस ही था कि डिस्क्रिमिनेशन नॉट
अलाउड इन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड कास्ट एंड एनी अदर थिंग्स. सो ये एक बहुत बड़ी हार दिखाई दे रही थी कांग्रेस की उस समय. वेरी सून न्यू ट्रेडिशन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट स्टार्टेड एज अ न्यू फेज ऑफ द कांग्रेस आफ्टर 1905 के बाद जब लगातार लिबरल लोग अपने तरीके से डिमांड्स करते रहे और उसको उन्होंने पूरा नहीं किया तो एक नई स्ट्रीम जो थी वो आ गई भारतीय राजनीति में और उसको हम एक्सट्रीमिस्ट लोगों की कहते हैं. कांग्रेस में एक गरम दल जिसको हिंदी में हम नरम दल और गरम दल, लिबरल आर नोन एज द नरम दल एंड एक्सट्रीमिस्ट नोन एज द गरम दल. तो जो गरम दल वाले लोग हैं वो अब एक्टिव होने लगे और उन्होंने कहा आपने 20 वर्ष प्रयास करके देख लिया एंड यू गॉट नथिंग, उन्हें आपको कुछ भी नहीं मिला. सो अब हम लोगों को अपने तरीके से काम करने दीजिए और धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो प्रभावी होते गए आफ्टर 1905. सो कम टू द रिव्यू. बट सून अ लेटर कांग्रेस बिकेम द प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन विच लीड द नेशनल मूवमेंट एंड आफ्टर गांधीयन एरा INC बिकेम वेरी पावरफुल. देखिए अभी एक्सट्रीमिस्ट आएंगे और फिर 1920 से एक्टिव हो जाएंगे गांधी जी, और गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस एक सूत्रीय कार्यक्रम में लग जाती है. काफ़ी वजन आ जाता है कांग्रेस की एक्टिविटीज़ में और जो कांग्रेस सेशंस में अपने डिसीजंस दे देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसको मानना पड़ता है. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द गांधी, और गांधी इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कांग्रेस इज इक्वल टू द गांधी एंड गांधी इज इक्वल टू द कांग्रेस. भले कोई भी प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के में गांधी का प्रभाव हमेशा दिखाई देता है. तो यू विल सी दिस. बट आपको अगर क्वेश्चन कांग्रेस के फर्स्ट 20 ईयर्स से रिलेटेड आता है सो यू हैव टू डील दिस आंसर. एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस ऑल्सो. लेटर वी विल डिस्कस द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द कांग्रेस एंड देन एनी अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू द कांग्रेस इन डिटेल. सो दैट्स ऑल फॉर द टूडेज लेक्चर. एंड एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, राइट इट डाउन. द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण में अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण में अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए. एंड द क्वेश्चन नंबर इज, सेकेंड क्वेश्चन नंबर इज, हाउ कांग्रेस फुलफिल द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. हाउ कांग्रेस फुलफिल द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. कांग्रेस किस प्रकार से सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को सिद्ध करता हुआ दिखाई देता है. आपको ये दोनों प्रश्नों के आंसर देने हैं. मैंने आप लोगों से सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्लास में एक बार डिस्कस की थी. आई नो अभी इसमें डिस्कस नहीं की है. अगर आप लोग इसमें क्लियर हैं तो आंसर रेडी रखिएगा. आई विल आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप. अगर आप क्लियर नहीं हैं सो आई विल डिस्कस इन द व्हाट्सएप यूट्यूब. ओके दैट्स ऑल. ओके बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.